आज जो टाली आग पहले देखी गए तो उमा धान बेकार रहे, तब तो वह बतका रहे कि यू धान तोलो तो हमका बेकार धान है, यू नहीं भाई तोला जी। अब कहें हमारी टाली वो नहीं तोलियो, तो हम कहें वो आज फुक्कर है तो आज जो है मंडी बंद है, बोरा मिल नहीं पाए हैं, कल बोरा मिल जाएंगे तो जो है कल तोल हो जी। हाँ इतने में गाली वाली हमका दे लाग नका ढक नहीं उतला एक दूसर रहें हमका मालूम है, तो वो याद ने कहा ला गाली मत बको, इसको साले को बांध दो यही, और जब अधिकारी आएंगे तब इसको छोड़ेंगे नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। तो हम कहा धान भैया, तो हम कहें चार टाली बची हैं आपके लिए, हाँ आज बारह नहीं मिल पाए हैं, कल बारह मिले हैं, कल जो उन्हें तोड़ ली बा, हम गुस्सा होकर बांध दो। ये राम प्रकाश यादव जी हैं सेंटर प्रभारी, ऐसे आ जाते वहां तुम्हारी सबके फोटो आ जाए, जेल जाओ तो साथ ही चली। हां क्या बात, फिर जाए कौन माता आते नहीं लागी उसमें हाथों में हाथ कड़ी पैरों में बेरिया, ये नरों का काम। क्या टोटल क्या घटनाक्रम है और क्या मामला है? सर डेढ़ महीने से हमारी टालियां मंडी में खड़ी, लेकिन हम लोगों ने आंदोलन किया मंडी में, एसडीएम साहब ने जाकर आश्वासन दिया कि भाई तीन दिन के अंदर आपका टोटल धान तौल जाएगा। हमारी 49 टालियाँ थी, लेकिन 6-6 टाली डेली तोलने को बताया गया था, लेकिन हमारी आज डेढ़ दिन से टालियाँ नहीं तोली जा रही हैं, और जब जाते हैं वहाँ तो कोई बताते हैं बोरी नहीं है, पैसा दो, यही सब हाल हिला हवाला करते हैं। बोरी लेकिन नहीं है, जिन लोगों ने बोरियाँ दिया है और पैसा दिया है उनकी तोल रहे हैं, लेकिन हमारे किसान यूनियन की टाली नहीं खड़ी, आज भी खड़ी हैं और इसके बाद जब उसे कहते हैं तो जो करना है कर लीजिए। इसी क्रम में आज कुछ वहाँ हुआ है, हम वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन हमारे तीन जो जिला सचिव हैं रामदास जी और ब्लॉक अध्यक्ष सुकुमार जी को, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया और ये बता रहे हैं कि तुम्हारे मुकदमा लेकर जेल, हरनाम सिंह को वो बता रहे हैं जेल भेज देंगे, अगर जेल भेजेंगे तो जब योगी जी ने मैसेज दिया है धान तोलाने के लिए तो हम लोग जाएंगे सीधे योगी जी से मिलने, समझो। अभी ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया जाएगा और हम पैदल पदयात्रा करके लखनऊ पहुँचेंगे। जी हाँ, आपका क्या नाम है? सुकमा। आप लोग किस संगठन से? हम राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन से हैं। ठीक। सूचना प्राप्त हुई थी धान के केंद्र पे किसी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की सूचना पे हम लोग आए थे। हम और एसडीएम साहब यहाँ जिस कर्मचारी के साथ घटना हुई थी उसको और जो जिन्होंने घटना कारित की थी किसान नेता उनको भी थाने ले जाया गया है, इसमें हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, इसमें आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी।